मणिपुर में भीषण हिंसा का दौर भले ही थम गया है, लेकिन तनावपूर्ण हालात अब भी बने हुए हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के खिलाफ लगातार आवाजें उठ रही हैं और लोग उनके खिलाफ विपक्ष लंबे समय से मोर्चा खोले हुए है, उन्हें हटाने की मांग भी की जा रही है। इस बीच भाजपा के ही 7 विधायकों ने सीएम बीरेन सिंह के खिलाफ जांच के लिए आयोग गठित करने की मांग की है। कुल 10 कुकी विधायकों ने जांच की मांग की है, जिनमें से 7 सत्ताधारी दल भाजपा के ही हैं। इन लोगों का कहना है कि हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए आयोग गठित होना चाहिए। इसमें यदि एन बीरेन सिंह को दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। इन विधायकों ने साझा बयान जारी कर कहा कि सीएम बीरेन सिंह की भूमिका संदिग्ध थी, उन्होंने कुकी समुदाय के नरसंहार की छूट दी थी। दरअसल बीरेन सिंह मैतई समुदाय से आते हैं। बीते साल मैतई और कुकी समुदाय के बीच ही हिंसा भड़की थी। इन विधायकों ने मणिपुर टेप्स के नाम से एक ऑडियो टेप भी जारी किया है। इन लोगों ने कहा कि सीएम ने अपने रवैये से मैतई समुदाय के उपद्रवी तत्वों को छूट दी थी। विधायकों ने कहा कि सीएम ने हिंसा की छूट दी थी। यही नहीं, विधायकों ने कहा कि होम मिनिस्टर अमित शाह जब मणिपुर आए तो उन्होंने सीएम बीरेन सिंह को इस बात के लिए फटकार लगाई थी कि जनता पर बमों का प्रयोग न किया जाए, फिर भी अमित शाह के चाहते ही सीएम ने जनता पर बम बरसाए। इन विधायकों का कहना है कि पूरे राज्य से करीब 5000 हथियार पुलिस से लूटे गए, लेकिन इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इन लूटे गए हथियारों का इस्तेमाल हिंसा भड़काने के लिए किया गया। इन लोगों ने कहा कि सीएम बीरेन सिंह खुद ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि 300 कुकी मारे गए, वो मुझे गाली दे सकते हैं लेकिन मैतई तो ऐसा नहीं करेंगे। इस तरह भाजपा के ही 7 विधायकों के मुख्यमंत्री के खिलाफ उतरने से पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और सीएम पर एक्शन का दबाव भी बढ़ गया है। वहीं राज्य ने 7 अगस्त को जारी किए गए टेप को फर्जी करार दिया। सरकार ने कहा कि ये टेप फर्जी है, जिसके जरिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो इसके प्रसार में जुटे हैं। बता दें कि बीरेन सिंह मणिपुर में मैतई समुदाय के प्रमुख नेता हैं। इस दौरान उन पर कई बार इस्तीफा देने की मांग उठी है। कुकी समुदाय खासकर उनसे नाराज है। अब बीजेपी के अंदर बीरेन सिंह के खिलाफ आवाजें उठने से पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि मणिपुर हिंसा में लगातार विपक्ष हमलावर रहा है और राहुल गांधी ने खासकर अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से ही की थी। उस वक्त विपक्ष ने ये संदेश देने की कोशिश की थी कि बीजेपी मणिपुर को लेकर कोई सख्त कदम नहीं उठा रही है और राज्य में हिंसा की छूट दी गई है, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे राज्य भागना पड़ा।